मैं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। हम आज बात करेंगे नार्को टेस्ट के बारे में या नार्को एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, नार्को टेस्ट, नार्को एनालिसिस या पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग से क्या आप सच में पता कर सकते हैं कि कोई इंसान सच बोल रहा है या झूठ? ये टेस्ट कितना रिलायबल है, क्या किया जाता है इसमें, इसमें जो दवा दी जाती है उससे क्या होता है, आज हम इस बात पे बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानना जरूरी है सबसे पहले कि आपका जो दिमाग है, जो ब्रेन है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं और इन न्यूरॉन्स का काम है कि ये आपके ब्रेन के जो सिग्नल्स हैं उसको रिले करें और एक से दूसरे में ये इंटरचेंजेबल रिले सिग्नल्स रिले होते रहते हैं और इन सिग्नल्स के जाने के वजह से ही सेंस और एक्शन के लिए ब्रेन वेव सिग्नल की तरह ट्रांसमिट होती है, तब आप कुछ काम कर पाते हैं। बिल्कुल इसी तरह कुछ सोचने के लिए भी सिग्नल्स और कुछ बोलने के लिए भी ये सब एक्टिविटी बहुत ज्यादा लेवल पे चलती रहती है। बहुत ज्यादा एक्टिविटी ब्रेन वेव्स में, ब्रेन के न्यूरॉन्स में चलती रहती है। दोस्तों, हम सिर्फ इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे क्या इस टेस्ट से सच में किसी से सच्चाई उगलवाई जा सकती है, क्या ये एक तरीके का लाई डिटेक्टर टेस्ट है, इस टेस्ट से क्या एक्चुअली में सच पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ बेसिक समझना होगा। इस टेस्ट में जो दवाएं यूज होती हैं ये CNS डिप्रेसेंट्स मेडिसिन होती हैं, ये आपके ब्रेन की एक्टिविटी को दबाती है। आपके ब्रेन में अनगिनत न्यूरॉन्स हैं, इन न्यूरॉन्स के अनगिनत कनेक्शंस हैं और इन कनेक्शंस से जब सिग्नल जाते हैं साइनेप्सिस से, न्यूरॉन्स से जो ये सिग्नल रिले होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, तो आप कोई भी चीज सोच पाते हैं, कुछ काम कर पाते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो मेन ड्रग्स यूज होते हैं, दवाएं यूज होती हैं, नॉर्मली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी दवाओं का इस्तेमाल करके लाई डिटेक्टर टेस्ट या ट्रुथ सीरम ऐसा बनाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन जो अब तक सबसे ज्यादा एक्चुअली उसके करीब आ चुका है, करीब ड्रग पाया गया है, वो है। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। सोडियम थायोपेंटोल, इसे पेंटोथाल भी कहते हैं, ये बेसिकली एक बारबिट्यूरेट है। ये बारबिट्यूरेट ड्रग जब आपको दिया जाता है तो ये सीधा आपके खून से ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है उसको क्रॉस करके दिमाग में चला जाता है और दिमाग में दोस्तों जो ये न्यूरॉन्स होते हैं, इन न्यूरॉन्स के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, इन रिसेप्टर्स पे जब कोई एंजाइम को ये जाके लगते हैं तब ये न्यूरॉन्स काम करते हैं और इन्हीं न्यूरॉन्स पे जब इनहिबिटर्स लगते हैं तो ये न्यूरॉन्स अपना काम नहीं करते। तो ये सोडियम थायोपेंटोल जो है ये हमारे नेचुरली ऑकरिंग जो गाबा जो रिसेप्टर्स होते हैं, गाबा ए रिसेप्टर्स, इसमें जो नेचुरली ऑकरिंग इनहिबिटर होता है गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड, उसके तरह ये काम करता है और ये जाके गाबा ए रिसेप्टर्स पे अटैच हो जाता है और वहां बैठ जाता है। जिन जिन न्यूरॉन्स पे जाके ये अटैच होके बैठ जाएगा वो न्यूरॉन्स फिर काम नहीं करेंगे जब तक इस चीज का इफेक्ट रहेगा। तो ये एक शॉर्ट एक्टिंग CNS डिप्रेसेंट है, इससे बेसिकली आपके न्यूरॉन्स के अंदर के जो सिग्नलिंग्स हैं, जो पाथवेज हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, इस वजह से आप जो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग वाले काम है वो नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर आप कॉम्प्लेक्स थिंकिंग वाले काम नहीं कर पाएंगे तो सोचिए आपको ये नहीं समझ आएगा किस सवाल का जवाब दूं, किसका ना दूं, आपको नहीं समझ आएगा कि मैं अगर झूठ बोलना है तो उसको सही तरीके से झूठ को भी बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स थिंकिंग करनी होती है, आपको झूठ फैब्रिकेट करना होता है, कहानी बनानी होती है, जिसके लिए कॉम्प्लेक्स अमाउंट ऑफ थिंकिंग चाहिए जो नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ इसीलिए ये माना जाता है कि भाई अगर कोई कॉम्प्लेक्स थिंकिंग करके झूठ नहीं बना पाएगा तो वो जो भी कहेगा वो सच कहेगा, मगर दोस्तों ऐसा नहीं है। कई रिसर्च में ये पाया गया है कि इस इंजेक्शन के बाद या नार्को एनालिसिस में कई लोग जो है बहुत ही ज्यादा बातें करने लग जाते हैं, उन्हें इनहिबिशन सारी खत्म हो जाती है और यहां तक कि वो इररिलेवेंट बातें करने लग जाते हैं और ये लोग बहुत ही ज्यादा सजेस्टिव होते हैं।
अगर आप उन्हें सजेस्ट करेंगे कि हाँ आपने ये किया था तो वो उसे भी मान लेंगे। तो ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट में एक्चुअली बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इस टेस्ट को किया जाता है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। 2008 के मुंबई ब्लास्ट के जो मेन कन्विक्ट अजमल कसाब पे भी यूज किया गया था, और आरुषि मर्डर केस में जो मेन विटनेस है कृष्णा, उन पे भी ये टेस्ट यूज किया गया था। दोस्तों 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन ये लॉ पास किया था कि ऑर्डर पास किया था कि ये टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को एनालिसिस बिना कंसेंट के आप किसी से नहीं करवा सकते, बिना दोषी की खुद की मर्जी के आप नहीं कर सकते। लेकिन नार्को एनालिसिस को एक्चुअली हम एक ट्रुथ सीरम या लाई डिटेक्टर की तरह नहीं देख सकते, इससे भी हमें एक्चुअली में 100% भरोसा नहीं आ सकता कि वो इंसान सच ही बोल रहा है। और एक और बात दोस्तों, अगर कोई इंसान साइकोलॉजिकली इल हो और वो एक्चुअली अपने झूठ पे अंधविश्वास करता हो, भरोसा करता हो कि हाँ अगर कोई मानता हो कि मैं भगवान हूं और वो बहुत बिल्कुल मानता है, झूठ नहीं बोल रहा है, वो एक्चुअली मन से मानता है, तो फिर ये डिटेक्टर वो झूठी बोलेगा चाहे आपको कितना भी सोडियम थियोपेंटोल दिया जाए। सो साइकोलॉजिकल बिहेवियरल एबनॉर्मलिटी वाले लोगों में भी इस इफेक्ट का, इस इंजेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों नार्को एनालिसिस पे ये छोटा सा एक इंफॉर्मेशन मुझे आपको देना था। इस टॉपिक पे न्यूज चैनल पे बहुत सारी बातचीत हो रही है या होगी, और सतर्क रहिए और अपना ख्याल रखिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन।